जी हाँ, स्वागत है आप सभी का डिफेंस फोर्स के एक नए एपिसोड में। भारत के आत्मनिर्भर प्रोग्राम और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बिग बूस्ट देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर सहित ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की आधारशिला रखी है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हम भारत की धरती पर ब्रह्मोस का निर्माण करना चाहते हैं ताकि किसी भी देश में भारत पर बुरी नज़र डालने का दुस्साहस ना हो। इस सेंटर के एक बार तैयार हो जाने के बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा, जो इंडियन आर्म फोर्सेस को तो मिलेगी ही, साथ ही इन्हें दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। ब्रह्मोस एनजी एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, जो ब्रह्मोस के मुकाबले काफ़ी छोटी और हल्की मिसाइल हैं, जो परफॉर्मेंस के मामले में ब्रह्मोस के समान हैं, जिससे ब्रह्मोस एनजी को एलसीए तेजस से भी फायर किया जा सकता है। इस परियोजना के लिए यूपी में 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत होगा। अगली खबर के अनुसार इंडिया ने 27 से 31 दिसंबर 2021 के लिए बंगाल की खाड़ी में एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल के लॉन्च के लिए एयरमैन नोटम जारी किया है। इसके एरिया की बात करें तो यह 400 प्लस का है, जो यह दर्शाता है कि कोई भी बड़ी मिसाइल का टेस्ट नहीं है, यह संभवतः एक छोटी मिसाइल है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। नोटम के अनुसार एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण हो सकता है। अब देखना होगा कि इंडिया द्वारा किस नई मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। इसी बात पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।